तो हिमाचल में ओपीएस की बहाली हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही प्रस्ताव पर मोहर लगाकर अपना चुनावी वादा पूरा कर लिया है। उसके बाद सीएम सुक्खू ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ओपीएस का जो वादा किया था अपने वादे के मुताबिक पहली कैबिनेट में इसे पूरा कर दिया है। सीएम ने कहा है कि इससे कई कर्मचारियों को आज से ही ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज या कल वित्त विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा और इससे लागू करने से पहले ही साल 800 से 900 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो आज की मीटिंग में वही ये भी बता दें कि महिलाओं और युवाओं को लेकर जो वादे कांग्रेस की सरकार ने किए उसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि ओपीएस के अलावा महिलाओं को 1500 रुपए देने और 1,00,000 युवाओं के रोजगार की दृष्टि से दो कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। ओपीएस की गारंटी आज से लागू कर दी है, जबकि दो गारंटी लागू करने का फैसला अगले महीने लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि ओपीएस का लाभ सभी भागों, बोर्ड और निगम कर्मचारियों को भी मिलेगा। सीएम का कहना है कि इस फैसले को लेने में अड़चने काफी आई, मगर उनकी सरकार ने फैसला किया कि हमें सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इसे लागू ही करना होगा। खैर, सीएम सुक्खू की कैबिनेट ने जो 10 गारंटी दी थी उनमें से एक को तो पूरा कर लिया है, पूरा होने की राह पर है। तो आइए एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं कि कांग्रेस सरकार ने वो कौन सी 10 गारंटियां दी थी। तो पहली, सबसे पहली गारंटी ओपीएस बहाल करना, जिसको लेकर आज प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। वहीं पर दूसरी गारंटी है कि घरेलू उत्पादकों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना, 5 साल में 5,00,000 युवाओं को रोजगार देना, जिसको लेकर ये कमेटी गठित कर ली गई है। तो वहीं पर 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देना, इसको लेकर भी कमेटी आज मीटिंग में गठित की गई। और इसी के साथ ही अगली गारंटी है कि फलों की कीमत तय करने का अधिकार बागवानों को देना, युवाओं के रोजगार के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाना, गाय भैंस पालकों से रोजगार, 10 लीटर दूध खरीदना और जैविक खेती बढ़ाने के लिए 2 रुपए किलो गोबर का खरीदना, और हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने, तो वहीं पर मोबाइल क्लिनिक से हर गांव में मुफ्त इलाज करना। फिलहाल ये 10 गारंटी जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी में दी जाती है, चुनावी जब दरमियान चल रहा होता है उसमें जनता से ये 10 गारंटीज पूरी की जाती हैं, ये वादा किया जाता है। फिलहाल इनमें से ओपीएस बहाल करने का मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में रहा था, विपक्ष की तरफ से भी उठाया गया था कि कब ओपीएस बहाल किया जाएगा, आज जब कैबिनेट की पहली बैठक होती है तो इस मुद्दे पर भी अंकुश लगा दिया गया, यानी कि ओपीएस को बहाल कर दिया गया है। पहली गारंटी हिमाचल की, हिमाचल सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है, और बाकी गारंटीज देखते हैं कि कब तक पूरी होती है।